भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में समलैंगिकता तथा व्यभिचार यानी एडल्टरी की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ महीने पहले समलैंगिकता को अपराध से बाहर किया गया है और व्यभिचार संबंधी कानून को खारिज करने का फैसला सुनाया था। अब बिपिन रावत का यह कहना है कि इन दो ऐतिहासिक फैसलों के असर के मामले में सेना में यह स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा, यद्यपि उनकी सेना कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन सेना में समलैंगिकता और व्यभिचार की अनुमति देना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, सेना कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी है, सेना एक परिवार है, हम इसे सेना में घुसने की अनुमति नहीं देंगे। सीमा पर तैनात जवान और अफसरों को अपने परिवार को लेकर चिंतित नहीं होने दिया जा सकता है। सैन्य कर्मियों का आचरण सैन्य कानून से नियंत्रित होता है। उन्होंने कहा, सेना में तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी सैन्य कानून के तहत ही सोचा जा सकता है। यह एक ऐसा मामला जब सैन्य कानून बना होगा तब इसके बारे में सुना नहीं गया होगा, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा हो रहा है, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। वैसे भी मालूम हो कि सेना में व्यभिचार के मामले आते रहते हैं और आरोपितों को जनरल कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा है। सैन्य हलकों में व्यभिचार को साथी अफसर की पत्नी का प्रेम चुराने के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।